हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक दोस्तों यह एक ऐसी फ्री वीडियो सीरीज है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण सामान्य अध्ययन को याद करेंगे आवश्यकता अनुसार याद करने है तो हम ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे लेकिन जहां ट्रिक की आवश्यकता नहीं है वहां अनावश्यक ट्रिक हम नहीं बनाएंगे सीरीज के प्रत्येक वीडियो में मैंने पच्चीस प्रश्न सम्मिलित किए हैं और कोशिश की है की सामान्य अध्ययन के किसी भी टॉपिक का कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने ना पाए वीडियो के अन्य भाग देखने हेतु तो प्ले का लिंक मैंने नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उस लिंक आरोप क्लिक करके इस सीरीज के सभी वीडियो देख सकते हैं तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए दोस्तों ये वीडियो का भाग दो है इससे पहले वाले भाग में हमने पच्चीस प्रश्न याद किए थे इस भाग में हम अगले पच्चीस प्रश्न याद करेंगे तो अगला प्रश्न दोस्तों वामनावतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है तो वामनावतार और तीन पगों का जो आख्यान है उसका प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वामन जो थे ये विष्णु जी के पांचवें और त्रेता युग के पहले अवतार थे जिसमें उन्होंने राजा बलि से तीन पग धरती दान में मांगी थी इसमें उन्होंने एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था ये राजा बलि जो थे थे ये असुरों के के राजा थे। इन्होंने इंद्र देवलोक में भी कब्जा कर लिया था तो इंद्र को दोबारा से गद्दी दिलाने के लिए विष्णु भगवान ने यह अवतार लिया था और तीन पग धरती मांग कर उन्होंने अपना साइज इतना बड़ा कर लिया कि तीन पग में उन्होंने सब कुछ नाप लिया था बल्कि तीसरा पग मापने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं था तब राजा बलि ने कहा था कि भगवान आप अपना तीसरा तीसरा पैर या तीसरा पग मेरे सिर पे रखिए तो इस तरह से राजा बलि भी एक बहुत बड़े दानी थे और उनकी इस बात से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें अंत में पाताल लोक दे दिया था यानी उनके सिर में पैर रखा तो वो पाताल लोक में चले गए साथ ही इंद्र को देवलोक मिल गया तो ये विष्णु भगवान के वामन अवतार की कहानी है और इसकी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से इसे याद रखने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि वामन अवतार जिसमें राजा बलि तीन पग जमीन दान में देने की बात कर रहे थे या वचन दे रहे थे उससे पहले असुरों के गुरु वहां पे आ गए थे और उन्होंने राजा बलि को समझाया था कि ये विष्णु का अवतार है और ये गड़बड़ कर रहे हैं ये सब कुछ तुमसे ले लेंगे तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो उन्होंने बताया था रुक बैड रुक ये बैड है रुक ये बैड है ये गलत है लेकिन राजा बलि ने वचन दे दिया था इसलिए वो नहीं माने और अंत में क्या किया तीन पग देने के चक्कर में सब कुछ दे दिया तो रुक बैड रुक बैड से आपको रिग वेद याद आ जाएगा तीन पग देने के लिए असुरों के गुरु ने बताया कि रुक जाओ ये बैड है रुक जाओ ये बैड

आएगा और अग्नि के लिए 200 सौ श्लोक है वो कैसे याद आएगा ये समझ लीजिए कि अग्नि में हम डोसा बनाते हैं अग्नि में हम डोसा तो पकाते हैं इसलिए अगनी अगनी जब देखेंगे तो ये अपने आप आपको याद आ जाएगा फिर ये दोस्तों यज्ञों के नियमों मंत्रों तथा बलि संबंधी विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है तो ये तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको जो चार वेद है पिछले वीडियो मैंने ट्रिक बताई थी आर एस वाई रसी तो इसमें जो यजुर्वेद है तो देखिए यज्ञ से बिल्कुल मिलता जुलता है तो यज्ञ के नियम विधान जो हैं वो यजुर्वेद में मिलते हैं इसके बाद है यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है तो यजुर्वेद तो तो का जो पाठ करता है उसको कहा जाता है जो ऋग्वेद के पाठकर्ता थे उनको होत्री कहते थे और यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं अधवर्यु याद रखने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि कोई बोल रहा है ये जो जू है ये जो जू है यानी चिड़ियाघर है यहां अच्छी वायु है या फिर यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह का विधान मिलता है तो यज्ञ के अंतर्गत ही एक काम आता है अर्घ देना सूर्य को अर्घ देना जो कि छठ पूजा के दौरान किया जाता है तो यज्ञ अर्घ यज्ञ अर्घ ऐसे आपको ये याद रहेगा इसके बाद है कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है तो ऐसा लग रहा है पूछ रहा है की गधा और यहाँ पे पिदी सा पिद्दी सा गधा किसमें है पिदी सा गधा किसमें है यानी एक छोटा सा गधा किसमें है तो दूसरा बता रहा है कि ये जो जू है ये जो जू है यानी चिड़िया घर है यहाँ पर पिद्दी सा गधा है जू यानी चिड़िया घर तो यहाँ पे पिदी सा गधा है या फिर इसे आप गधा मान लीजिए गधा और इसे पद्म मान लीजिए गधा पद्म शंख चक्र ये सब कहा रहता है भगवान के पास और यज्ञ वगैरह किया जाता है भगवान की पूजा के दौरान तो ऐसे आपको याद आएगा यजुर्वेद फिर है दोस्तों यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस में है तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उनका संकलन है सामवेद में क्योंकि गाने की बात हो रही है और गाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपको मिलती है सामवेद में याद रखने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि गाना यानी कि आरती वगैरह का गाना हमको अक्सर शाम को सुनाई देता है सुबह भी होती है लेकिन सुबह ज्यादातर रियाज सुनाई देता है जो गायक रियाज करते हैं वो सुनाई देता है लेकिन आरती भजन ये सब शाम को ज्यादातर सुनाई देता है तो शाम गाना यानी शाम शाम पे का अर्थ भी है गाना फिर है दोस्तों साम वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है हमने ऋग्वेद के पाठकर्ता को पढ़ा होत्री यहाँ पे पढ़ा यजुर्वेद का पाठकर्ता कौन है अब आ गया सामवेद के पाठकर्ता तो उसे कहा जाता है उदात्री या उदगात्री तो ऐसा समझ लीजिए कि साम समझा रहे हैं समझा रहे हैं क्यों समझा रहे हैं क्योंकि वो उदंड है देखिए उदात्री उदात्री उदंड है बदमाशी कर रहा है शैतानी कर रहा है इसलिए समझा रहे हैं या फिर उदगाता तो यहाँ पे गाता अपने आप छुपा हुआ है वैसे तो आपको साम वेद याद आ जाएगा उदात्री या उदगाता साम का अर्थ है ना गाना गाने वाला तो यहाँ पे गाता इसके बाद है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि शाम का अर्थ है गाना या फिर शाम को हमको गाना आरती वगैरह सुनाई देता है तो संगीत का जनक संगीत 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 का जनक साम वेद को कहा जाता होगा क्योंकि यजुर्वेद में हमने यज्ञ देख लिया था यज्ञ से संबंधित विधि विधान और अथर्व वेद हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या है तो संगीत का जनक यानी गाने वाला काम तो गान साम फिर है किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है तो ये दो वेद है एक यजुर्वेद जिसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधान है और दूसरा है सामवेद यानी गाने बजाने से संबंधित तो इसमें यज्ञ और गाने की जानकारी मिल रही है तो किसी घटना के बारे में जानकारी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा दोस्तों हो सकता है तथ्य तत्काल में याद ना हो लेकिन परीक्षा में जैसे ही आप चार ऑप्शन देखेंगे तो अपने आप ये तर्क वहाँ पे याद आ जाएंगे इसके बाद अगला प्रश्न है अंधविश्वास रोग निवारण समन्वय राजभक्ति औषधि शाप वशीकरण प्रायश्चित जादू टोना मातृभूमि महात्म आदि का विवरण किसमें दिया गया है है। तो यह दिया गया है अथर्ववेद में इसमें लगभग हर चीज ऐसी दी गई है जिससे व्यक्ति कांपने कांपने लगेगा थर 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 अंधविश्वास कोई डर जाएगा लगेगा रोग निवारण रोग औषधि शाप वशीकरण जादू टोना मंत्र ये सब सुनते ही आदमी क्या होता है थर 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 करके कांपने लगता है और थर थर से आपको अथर्ववेद याद आ जाएगा यदि आप ऑप्शन में एलिमिनेशन सिस्टम से अपने उत्तर को ढूंढेंगे तो पहले सामवेद को हटा देंगे क्योंकि वो गाने से संबंधित है इसके बाद यजुर्वेद को हटा देंगे क्योंकि वो यज्ञ के विधि विधान से संबंधित है ऋग्वेद में हमको ऋचाएं मिलती हैं तो बचेगा आपका एक वेद वो है अथर्वेद जिसमें एक शब्द मिल जाएगा आपको थर 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 और थर 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 का आपने लगता है अंधविश्वास जादू टोना मंत्र आदि से कोई भी व्यक्ति इसके बाद है मंत्र व लगभग छह पद संकलन के साथ अथर्ववेद वेद की रचना किसने की तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद वेद की रचना की ये वेद थर 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 कापने से संबंधित है तो ऋषि ने भी इसे थर 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 कांपते हुए लिखा होगा ऐसे लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो ये याद रहेगा इसके बाद अथर्ववेद वेद के पुरोहित कौन है तो अथर्व के पुरोहित है ब्रह्मा जी इसे याद रखने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि अथर्ववेद में जो जादू टोना शाप वशीकरण मंत्र ये सब दिया गया है ये सब कुछ नहीं है ये सब क्या है ये सब भ्रम है ये सब वास्तव में नहीं होता है ये सब भ्रम है क्या भ्रम है जादू टोना शाप वशीकरण मंत्र वगैरह तो भ्रम शब्द से ब्रह्मा जी आपको अपने आप याद आ जाएंगे इसके बाद अथर्वेद को और क्या क्या कहा जाता है तो अथर्वेद को कहा जाता है ब्रह्मवेद क्योंकि ब्रह्मा इसके पुरोहित है इसलिए ब्रह्म हो गया मही वेद भैसज्य वेद भैसज्य में एक भेष तो इसमें अजीब सा भेष धारण करके जादू टोना मंत्र पढ़ते हैं ऐसा सोच लीजिए तो ये आपको याद हो जाएगा दोस्तों मैं जो तर्क दे रहा हूँ या लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि ये ये सब सब सही हो लेकिन हमें चूंकि चीजें याद रखनी है इसलिए इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं इसके बाद है विष्णु पुराण मत्स्य पुराण व वा वायु पुराण क्रमशः किन राजवंशों से संबंधित है ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसे आप याद कर लीजिएगा विष्णु भगवान के सिर में कृष्ण अवतार के समय क्या लगता था मोर पंख तो मोर से आपको मौर्य याद आएगा विष्णु मोर विष्णु मोर विष्णु मोर इसके बाद है मत्स्य पुराण यानी मछली से संबंधित मछली 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 तो बोलते हैं ना जो खाते हैं उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं वो कभी अंधे नहीं हो सकते तो मछली मछली से मचली से आपको याद आएगा आंध्र आंध्र नहीं होगा यानी आंध्र सात वाहन वंश और वायु पुराण तो वायु पुराण याद करने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि हमारे जो वाहन होते हैं गाड़ियां होती है उसमें यदि एक छोटी सी कील चुभ जाए तो वो वायु पूरी निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता गुप्त रूप से कहां से निकल गई तो वायु के लिए आपको गुप्त वंश याद आ जाएगा तो इस तरह से से विष्णु मोर मछली अंधा और वायु गुप्त ये इन राजवंशों संबंधित अगला है कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है तो निंदा करने का काम किसका होता है निंदा करने का काम होता है लेखक का ऑथर जो होता है वो क्या करता है निंदा करता है किसी की भी निंदा करेगा ऑथर यानी लेखक हुआ और लेखक तो निंदा कर ही सकता है लिख सकता है किसी के बारे में तो ऑथर से आपको एक वेद याद आएगा ऑथर्व वेद ऑथर्व वेद या फिर ऑथर बैड है यानी बुरा है इसलिए वो क्या कर रहा है कन्या के जन्म की निंदा कर रहा है तो ऑथर बैड ऑथर बैड लेखक ने लिखा है निंदा की है कन्या के जन्म की क्योंकि वह बैड है बुरा है तो ऑथर बैड इसलिए उसने कन्या के जन्म की निंदा कर दी इसके बाद है अथर्व वेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है तो ये माना जाता है पृथ्वी सूक्त को अब याद रखने के लिए इसे ऐसे समझ लीजिए कि ऑथर बैड यानी बुरा लेखक ऑथर यानी लेखक होता है तो ऑथर बैड है यानी बुरा लेखक है उसने क्या किया अपने बुक की एक प्रति प्रति यानी क्या हुआ एक कॉपी जो है वो किसको दी निधि नाम की लड़की को दी प्रश्न से हमें उत्तर निकाल लेना है ना तो ऑथर बैड है बुरा लेखक है उसने क्या किया अपने बुक की एक प्रति जो थी कॉपी जो थी उसको निधि नाम की लड़की को दिया तो निधि उसे क्या करेगी उसे नीचे फेंक देगी बोलेगी ये तो बैड बुरा लेखक है इसकी बुक में क्यों पढ़ू तो नीचे फेंक देगी यानी पृथ्वी में फेंक देगी जमीन में फेंक देगी तो ऐसे कोरिलेट करेंगे तो ये आपको याद रहेगा और में का राजा किसे कहा गया है तो कुरुओं का राजा अथर्वेद कहा जाएगा ये समझ लीजिए जादू टोना मंत्र ये वाला वेद है अब इसमें कई सारे गुरु हैं सब एक से एक महान है तो उन गुरुओं में से अगर आपको राजा चुनना हो तो आप क्या करेंगे सब तो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं तो दौड़ कूद वाली प्रतियोगिता तो कराई नहीं जाएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे परीक्षा ले लेंगे उनकी एग्जाम ले लेंगे परीक्षा ले लेंगे और इस तरह से हम उनके राजा को निकाल लेंगे तो परीक्षा से आपको परीक्षित याद आ जाएगा अथर्व वेद में कुरुओं का राजा परीक्षित को कहा गया है फिर अथर्व वेद में सभा एवं समिति को किसकी दो पुत्रियां कहा गया है तो सभा एवं समिति ये कहा गया है प्रजापति की पुत्रियों को याद करने है तो इसे ऐसा समझ लीजिए कि सभा और समिति ये किससे बनती है ये प्रजा से बनती है जनता से बनती है तो सभा और समिति प्रजा से बनती है और प्रजा से प्रजापति याद आ जाएगा ऑप्शन देखते ही दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप बस लॉजिक समझते चले जाइए परीक्षा में जब आप चार ऑप्शन देखेंगे तो आपको सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसके बाद है वेदांगों की संख्या कितनी है तो वेद हमने चार पढ़े थे रसिया आर एस वाई ऋग्वेदेद लेकिन वेदांगों की संख्या कितनी है तो प्रश्न में ध्यान दीजिए वेद अंग वेदांग 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 ऐसा लग रहा है ये बोल रहा है बैड अंग कोई अंग ऐसा है जो बैड है बुरा है समझ लीजिए सड़ गया है हाथ पैर टूट गया है, सड़ गया है बुरा है ना बैड अंग को देख के क्या बोलेंगे अब ये बैड अंग कौन से है भाई इसे याद करने के लिए आप एक कहानी सोच लीजिए मन में कि हम सब पढ़ाई कैसे करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं ज्योति जलाते हैं दिया जला लिया ज्योति जला ली इसके बाद हम क्या किए पढ़ने बैठ गए यानी एकत्रित करने बैठ गए फिर हमने व्याकरण और छंद का चैप्टर खोल लिया व्याकरण और छंद का चैप्टर हमने खोल लिया फिर थोड़ी देर बाद हम पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं और लास्ट में क्या बोलते हैं अरे यार अब कल पढ़ेंगे। आज छोड़ दो कल पढ़ेंगे तो ऐसे आपके पूरे छह वेदांग याद आ जाएंगे पहले हमने ज्योति जलाई तो ज्योतिष इसके बाद हम शिक्षा प्राप्त करने बैठ गए यानी पढ़ने बैठ गए तो शिक्षा फिर हमने व्याकरण और छंद का चैप्टर खोल लिया तो व्याकरण और छंद हो गए इसके थोड़ी देर बाद हम रुक जाते हैं पढ़ते पढ़ते कह यार बस अब बहुत हो गया तो रुक से निरुक्त हो जाएगा ये रहा निरुक्त और अंत में हम बोलते हैं यार आज छोड़ो कल से पढ़ेंगे तो कल से कल्प आपको याद आ जाएगा तो ऐसे आपके पूरे छह के छह वेदांग आसानी से याद आ जाएंगे इसके बाद है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है पुराणों की संख्या कितनी है तो ऐतिहासिक कथाएं जो हैं इनका विवरण पुराणों में हमको मिलता है और इसकी संख्या कितनी है यह है अठारह मुझे लगता है ये सभी को पता है पुराण अठारह है फिर भी यदि आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद करना चाहें तो ऐसा समझ लीजिए कि पुराना पुराना पुरानी चीज है तो हम क्या बोलते हैं हटा रहा है इसको या मैं उठा के फेंक दू हटा रहा है इसको या मैं उठा के फेंक दू तो पुराना हटा रहा पुराना हटा रहा ऐसे आपको याद आ जाएगा पुराण अठारह है अगला है पुराणों के रचयिता कौन है तो पुराणों के रचयिता है लोम हर्षवा उनके पुत्र उग्र स्रवा इसे याद करने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि पुरानी चीजों को किसी ने रचा यानी बनाया पुरानी चीजें बनाई किसी ने और एक ऋषि आ गए उसके घर में तो उसको देने लगा कि लो महर्षि जी आप इसको ले लो देखिए लो महर्ष लो महर्ष लो महर्षि महर्षि यानी क्या हुआ महान ऋषि तो लो महर्षि आप इसे ले लो लेकिन महर्षि क्या हुआ भड़क गए क्योंकि पुरानी चीज है ना तो भड़क गए वो और ये देखिए उग्र हो गए उग्र हो गए कि तुम हमको पुरानी चीज क्यों दे रहे हो हमको देना है तो नई चीज दो तो पुरानी चीजों की रचना की और पसंद नहीं आई तो क्या किया लो महर्षि आप ले लो इसको हम इसको क्या करेंगे और महर्षि उग्र हो गए तो लो महर्ष और उनके पुत्र उग्र सव इसके बाद है अठारह में से कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है अठारह में से कितने पुराण है तो हमने तीन पुराण ऑलरेडी पढ़ लिए थे कौन कौन से मत्स्य पुराण पढ़ लिया था जिसमें आंध्र सातवाहन वंश वायु पुराण पढ़ा था जिसमें गुप्त वंश विष्णु पुराण पढ़ा था जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिल जाती है इसके अलावा दो पुराण और हैं एक है ब्राह्मण पुराण इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ब्राह्मण के वंश के बारे में जानकारी मिलती होगी हो सकता है और एक आपको भागवत पुराण ध्यान रखना है तो कुल मिलाकर पांच पुराण हो जाते हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है कौन-कौन से पांच पुराण शुरू में जो हमने तीन पुराण याद किए थे ट्रिक के माध्यम से एक ब्राह्मण पुराण और एक भागवत पुराण को हमको याद रखना है इसके बाद है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है तो जो सबसे पुराना और प्रामाणिक पुराण होगा वो कैसा होगा एकदम मस्त होगा वो ऐसे हम मान लेते हैं इसको जो सबसे पुराना है और बिल्कुल प्रामाणिक है वो बिल्कुल मस्त पुराण होगा तो मस्त से आपको मत से पुराण याद आ जाएगा अगला स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में बताई गई है जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की तरह पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है मैत्रेयनी संहिता में जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की तरह बताया गया कि बुरी चीज है स्त्री बुरी चीज है जुए और शराब की तरह है तो याद करने के लिए इसे आप ऐसा मान लीजिए कि मैत्री नहीं मैत्री नहीं मैत्री नहीं स्त्री से मैत्री नहीं करनी है बुरी चीज है इसलिए मैत्री नी मैत्री नी इस संहिता में उसके बारे में बताया गया है अब मुझे नहीं मालूम क्यों बताया गया ऐसा इसके बाद आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है अर्धांगिनी यानी आधा अंग ऐसा मान लीजिए कि एक ह्यूमन बॉडी है मानव शरीर है जिसमें आधी स्त्री है और आधा पुरुष है तो ये तो यहाँ पे आसानी से याद आ जाएगा आपको शत पथ ऐसा लग रहा है की साथ साथ पथ में चल रहे हैं अब आधा शरीर स्त्री का होगा आधा पुरुष का होगा और ये व्यक्ति पथ में चलेगा तो एक तरह से साथ साथ ही चल रहे हैं स्त्री भी साथ चल रही

सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद या शतपथ ब्राह्मण तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है मत्स्य पुराण किस राजवंश से संबंधित है आंध सातवान वंश चालुक्य वंश राष्ट्रकूट वंश या मौर्य वंश तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही इस सीरीज के बाकी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले का लिंक दे दिया है उस पर क्लिक करके आप अपने देख सकते हैं और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो उसी डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में तब तक के लिए नमस्कार